देश भर में आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश अहिंसा का रास्ता दिखाकर देश में परिवर्तन लाने वाले बापू को नमन कर रहा है। हर कोई अपने अंदाज में अहिंसा दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांधी के मौके पर नाथूराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड करवा रहे हैं। ट्विटर पर हो रही नाथूराम गोडसे की ट्रेंडिंग पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने नाराजगी जाहिर की। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत हमेशा एक आध्यात्मिक महाशक्ति रहा है, लेकिन ये महात्मा है जिन्होंने हमारे देश के आध्यात्मिक आधार को अपने अस्तित्व के माध्यम से व्यक्त किया और हमें एक नैतिक अधिकार दिया जो आज भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गोडसे जिंदाबाद ट्वीट करने वाले देश को गैर जिम्मेदाराना शर्मसार कर रहे हैं। वरुण गांधी की आई प्रतिक्रिया पर कई लोगों ने उनका स्वागत किया तो कई लोगों ने तो उन्हीं की आलोचना कर दी। रोहन सुनील तोड़नकर नाम के ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि आपको गोडसे को मानने वाली पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जाहिर है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हालांकि वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में इस हैशटैग का इस्तेमाल नहीं किया। वरुण गांधी के पोस्ट पर कुछ समय में ही हजारों लाइक आ चुके हैं और इसे काफी रिट्वीट भी मिल चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि गांधी के देश में इस तरह के बेतुके हैशटैग चिंता का विषय है।